मेरी जब PKP 1 2 इसकी केस जब चल रही थी तब मेरी भी लिस्ट थी ऑफ डायरेक्टर्स के मुझे इनके साथ काम करना है, बट उनको मेरे साथ काम नहीं करना था, तो ये एक ही साइकिल चलती रहेगी। मैं उनके पीछे भागूंगी, जो नए डायरेक्टर्स वो मेरे पीछे भागेंगे, तो अगर मैं भी उनके साथ काम नहीं करूँगी तो वो भी भागते रहेंगे, तो भागते 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 काम कोई करेगा नहीं, कुछ एक्चुअली बनेगा नहीं, कुछ एक्चुअली आएगा नहीं। तो मैंने ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर्स अपना माइंड और अपना चेंज कर दिया कि जो जिनको मेरे साथ काम करना है मैं उनके साथ काम करूँगी, बिकॉज एटलीस्ट वो मेरे पे विश्वास करके और मेरे साथ कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। फिर वो नए हो चाहे मजे हुए हों, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज हम एक सेम विजन से फिल्म बना रहे हैं। मतलब मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी डायरेक्टर के साथ ये होता है कि क्या मेरे और उनकी वाइब करेक्ट है, जो फिल्म वो नरेट कर रहे हैं क्या मैं भी सेम फिल्म को उसी तरह से देख रही हूँ, और काम करने में मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा नहीं आ रहा ना तो फिर वो नए हो या बहुत बड़े हो मुझसे नहीं होगा काम, बस इतना ही है। सब्जेक्ट मैं अभी इनिशियली टच नहीं करना चाहता बिकॉज ऑलरेडी कमिटेड मैं फिजिकल फिल्म के लिए, तो वो चीज़ रहती है। दूसरा ये था कि फिर जैसे जब मुलाकात हुई, जैसे जब इन्होंने डायरेक्ट किया फिल्म, उनके साथ भी मेरी कमिटमेंट थी, हम एक फिल्म करने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई, और मैंने उन्हें भी प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं प्रोड्यूस करूँगा कोई फिल्म तो डेफिनेटली यू नो आई विल गेट। तो उसके बाद हम दोनों ने फिर ये फिल्म जो आपके सामने है, तो वो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है ना, करने की इच्छा बहुत होती है लेकिन आप एक समय में दो काम नहीं कर सकते, दो नावों में पैर नहीं रखना था मुझे, तो ये मैं इसलिए प्रोड्यूस भी मैंने इसलिए की कि लिखी हुई चीज़ मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा तो कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस वजह से प्रोड्यूस भी, तो लिखना और प्रोडक्शन।